एक सवाल है, मेडिकल और इस्लामी तौर पर कितने दिन गैप से जो है हम बिस्तरी करना चाहिए? जिस कुएं से पानी नहीं निकालते ना, वो कुएं का पानी ज्यादा होता है या सूख जाता है? जिस बाउडी से, जिस जो है वेल से आप पानी नहीं निकालेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइंटिफिकली ये बात साबित है कि जितना आप सेक्स करेंगे उतना आपका सेक्स इम्प्रूव रहेगा, उतना आपका रिप्रोडक्शन होता रहेगा, सेल्स और जो है आपका स्पर्म उतना कंटेंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये इस मामले में किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं, और शरीयत ने इस मामले में किसी तरह का टाइम का कोई कंडीशन नहीं लगाया। शरीयत ने इतना दिन उतना दिन उतना दिन इस तरीके से है। और इसके लिए आपने अभी सारे दर्द, हाँ अभी तो कोई कंडीशन नहीं बोलकर शुरू, हाँ ऐसा नहीं, औरत की हालत, औरत की जिस्मानी हालत, औरत की जहनी हालत, आसपास का माहौल, बच्चे, अपनी तबीयत, अपना फूड, ये सब सामने रखकर अहम ये है कि खुद मैं रेडी नहीं होना, मेरी बीवी भी रेडी होना है। आप बोलेंगे मैं तो कभी भी रेडी होता हूँ, अगर आपकी बीवी रेडी नहीं हो तो जबरदस्ती करोगे? नो, सी ये क्वेश्चन ही नहीं, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ड्यूरेशन ना टाइमिंग, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन औरत के जो कंडीशन को साथ में रखकर कभी कभी डिले भी करना पड़ सकता है, कभी कभी वेट भी करना पड़ सकता है, इतना तो आपको पेशन और सब्र जरूरी है। सवाल नंबर दो, कैन हस्बैंड एंड वाइफ टेक बाथ टुगेदर? एक साथ नहा सकते हैं क्या मियां और बीवी? देखिए ये इंशाल्लाह अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के साथ एक ही बाथरूम में, एक ही टब में नहाते, एक ही टब से चुल्लू पानी ले लेके नहाते थे। इस हदीस से अल्लामा अल्बानी और उससे पहले इब्न तैमिया और बहुत सारे मुहक्किकीन उलमा इकराम ने दलील पकड़ा है कि जो कुछ लोग ये बोलते हैं, ज़ईफ़ अहादीस आती हैं, कुछ ज़ईफ़, तीन ज़ईफ़ अहादीस मैंने पढ़ा इस दौरान के, तीनों अहादीस के अंदर आती हैं कि जो आदमी अपने बीवी की शर्मगाह और जो मर्द, जो औरत अपने शौहर की शर्मगाह को देखता है उसके अंदर शर्म होता है बोल के, ये हदीस के अल्फाज हैं। लेकिन उलमा ने बतलाया ये हदीस ज़ईफ़ है। ऐसे जितने भी हदीस आती हैं जो प्राइवेट पार्ट्स को देखने का नहीं, जितने भी हदीसें आती हैं ये तकरीबन सारी हदीसें जो है ज़ईफ़ हैं। सही है जो कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ, यानी कि अलग अपने बीवी के साथ, अपने एक बीवी के साथ एक ही टब में एक ही जगह पर नहाती थी। इससे दलील मिलता है जब नहाते हैं तो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को देखना में कोई हर्ज नहीं है। हुन्न लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्न, तुम उनके लिए कवर हो, तुम कपड़ा हो उसके लिए, कपड़ा और मेरे बदन के बीच में कोई हाइल या जो है बैरियर नहीं है। ओके, बिल्कुल कर सकते हो। और मैं एक बात यहाँ पे फायदे के लिए बता सकता हूँ, अपनी बीवी है जो औरत है ना, औरत अपने का नेचर कैसा मालूम है? औरत का नेचर क्रिएटिव नेचर है, कॉस्मेटिक नेचर है और बहुत ही नाजुक नेचर है। और औरत फूल को पसंद करती है, मर्द फूल करता है क्या? औरत फूल पसंद करती है ना, मर्द फूल पसंद नहीं, यूजुअली पसंद नहीं करता, सूंघना पसंद करता है। ओके, लेकिन लगा औरत रंग पसंद करती है, औरत क्राफ्ट में माहिर रहती है, औरत पेंटिंग में माहिर रहती है। क्यों? औरत का जो दिमागी जो सलाहियत है ना, उसके अंदर क्रिएटिविटी, इसके अंदर जो कलर के शेड्स और जो कॉस्मेटिक ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, औरत को करीब करने वाली चीज़ें हैं। मर्द में क्या है? मेहनत, डेडिकेशन, तकलीफ को उठाना, बर्दाश्त करना। अल्लाह ने मर्द के माइंड को ऐसा बनाया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, औरत के साथ एंटरटेनमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये कोई तो छोड़ो मत, खेलो उसके साथ, औरत के साथ डिस्कशन करो, औरत के साथ प्राइवेटली इंटीमेसी के लिए जो एक टब में नहाना हो, बाथरूम में नहाना हो, जो भी कर सकते हैं आप करो,
रियली में इससे तुम औरत को अपने से करीब कर सकते हो, और इसका पूरा फ़ायदा यह है कि तुम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने में तुमको इससे ताकत मिलेगी, और उसका दूसरा फ़ायदा यह है कि तुम्हारी औरत तुम्हारी होके रहेगी। क्या बात बोला मैंने, तुम्हारी औरत तुम्हारी वफादार होके रहेगी, उसकी नज़र कभी दूसरी मर्द की तरफ नहीं उठेगी। बात समझ में आ रही? हाँ, उसके साथ एकदम लिबास हो जाओ, उसको ये एहसास दिलाओ कि तेरे से ही मुझे मज़ा है, तेरे से ही मुझे सुकून है, तब इंशाअल्लाह न मर्द दूसरों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी उसको। एक हदीस बयान करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाअत फलयतज़व्वज, आए नौजवान, आए दोस्तों नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी करो अगर तुम में ताकत है। आगे फरमाया क्यों करो, फइन्नहु अगद्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज, शादी करेंगे तो तुम्हारी आंखों के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और तुम्हारी शर्मगाह सेफ हो जाएगी। आंखों पे कंट्रोल और शादी से क्या ताल्लुक है? यकीन मानो नौजवानों, जल्दी शादी करो, जल्दी शादी नहीं करोगे ना तुम उधर इधर देखने वाले बन जाओगे, झांकने वाले बन जाओगे, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा। इवन जो शादीशुदा जो कपल्स हैं, अपने बीवियों से दूर मत रहो। सेक्सुअल जो अगर आपकी हाजत है, औरत से जाकर अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी करो, उसको डिले मत करो। डिले करेंगे तो तुम्हारा जो साइकोलॉजिकल जो तुम्हारा जो प्रोसेस है, तुम्हारे माइंड में कोई औरत दिखी, कोई औरत का कोई बदन का जगह दिखा, तुम्हारा माइंड उस तरफ खींच के चला जाएगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी में तो देखता हूँ मेरे भाइयों, यकीन मानिए, भूख है, भूख अगर किसी को लगी रहती है ना, बासी रोटी भी खा लेता है। ऐसा ही अगर सेक्सुअल ज़रूरत तुम्हारी पूरी नहीं हुई, तुम मुमकिन है घर में काम करने के लिए आने वाली औरत को भी गलत नगाह से देख सकते हो। बात समझ में आ रही मेरी? एकदम ओपन बात कर रहा हूँ भाई। क्या है, अपनी शहवत पर कंट्रोल रखो, शादी से पहले रोज़ा रखो, ऐसे फूड खाने से बचो जिससे सेक्सुअल डिज़ायर्स ऊपर पड़ते हैं। हाँ, शादी के बाद बीवी से ज़्यादा दूर मत रहो, वरना क्या हो जाएगा, अच्छी लड़की आना ज़रूरी नहीं, कोई कॉमन एक औरत सामने आ गई तो भी तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी करो, औरत से इंटरेक्ट हो जाओ, औरत से सेक्सुअल अपनी ज़रूरत पूरी करो, तुम्हारी निगाहों की हिफाजत हो जाएगी और तुम्हारा शर्मगाह उसकी भी हिफाजत हो जाएगी, और वो कमज़ोर या मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं होगा। हमारे इस इलाके के एतबार से लड़की की उम्र शादी के लिए घरेलू हालात और घर के जिम्मेदारी के एतबार से लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? वल्लाह वाला मुझे, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, इंशाल्लाह कुछ लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, कुछ मशाक करने के बाद कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कभी सोचा नहीं, इस एतबार से स्टडी नहीं किया कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। लेकिन शरई एतबार से मैं आपको बताऊँगा कि शादी होने के लिए औरत को शादी की ज़ौजियत में लेने के लिए, अगर वो औरत रेडी है और जिस्मानी एतबार से उसकी जो है बदाव या उसका जो है क्या बोलते हैं कि प्रोसीजर इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चे जन सकती है, प्रेग्नेंट अगर वो हो सकती है, यानी वो एडल्ट अगर हो चुकी है, या उसका बदन ऐसा है कि वो शादी के बाद आने वाले प्रोसेस को संभाल सकती है, तो बिल्कुल वो चीज़ें औरत के लिए वही डेट है। और एडोलेसेंट जो बुलूगत जो होता है ना, ये अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग फूड और इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। अरब का जो माहौल ऐसा था और है, वहाँ का फूड गर्म, वहाँ का इन्वायरमेंट गर्म, वहाँ की लड़कियाँ बहुत जल्दी बालिग हो जाती हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत आयशा से जो शादी किया था, उसका सही जवाबों में से एक जवाब भी यही है कि इंडियन जो सिस्टम ऑफ लाइफ है, यहाँ पे लड़की का एडोलेसेंट बालिग होने की उम्र शायद 14, 15, 16 हो नॉर्मली, कभी कभी तो 8, 9, 10 में भी हो जाते हैं।
यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन अरब में मैक्सिमम लड़कियाँ ये 7, 8, 9 साल में एडल्ट हो जाती हैं। एडोलेसेंस मतलब उनको ब्रेस्ट क्या प्राइवेट पार्ट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, या उनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बदलना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से सामने वाले फीमेल जो ये है पर्सनालिटी है, उससे इंटरेक्शन भी उसका शुरू। तो इस इलाके में भी हमने सुना, हमने देखा कि लड़कियां कभी कभार 10 साल से पहले भी एडल्ट हो गई, लेकिन 14-15 साल में तो वुमन हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ ये भी जहन में रख लो कि लड़की की शादी होने में आजकल का जो माहौल है उसका उसकी जो जहनी जो उसका तवाजुन, जहनी जो उसकी हालत, उसका भी एतबार करना अफजल है। लड़की अभी भी एकदम से वो बचपने में है, और जल्दी उसको एक शादी के जोड़े में जो है बांध के मत दो जब तक उसके अंदर इतनी तो मैच्योरिटी आ जाए। मैच्योरिटी का डिपेंड भी होता है इन्वायरमेंट से, मैच्योरिटी भी आती है फैमिली बैकग्राउंड से, मैच्योरिटी आती है उसके एजुकेशन से। ओके, जो अनमैच्योर है उसको वक्त से पहले शादी करना गैर अफजल है, मैच्योरिटी का इंतज़ार करना अफजल है इंशाल्लाह ताला। Can we use our private parts before marriage? Example, masturbation. It is haram. देखिए masturbation, masturbation. शादी से पहले देखो सवाल ऐसा है, शादी से पहले masturbation कर सकते क्या? नहीं, मतलब अपने पेनिस को erect करके अपने हाथ से flow करना, मेरे भाई ये तो हराम है, ये तो हराम है, ये तो अपने शर्मगाह को गलत जगह पे इस्तेमाल करना है। अल हाफिज़ूना लिफुरूजिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन की सिफात को बतलाया, मोमिन आदमी ऐसा होता जो अपनी शर्मगाह की क्या करता है, हिफाजत करता है। तो ये हिफाजत नहीं, शादी के बाद जायज़ है क्या? सवाल तो शादी से पहले किया गया है, इवन शादी के बाद भी तुम बीवी से दूर रहकर मास्टरबेशन नहीं कर सकते, हैंड प्रैक्टिक सकते आप इस्तिमना बिलियत नहीं कर सकते शादी के बाद भी, औरत से दूर रहकर नहीं कर सकते। हाँ मैं बोल देता हूं, औरत अगर आपके साथ में है, एक बेडरूम में है, एक बेड पे है, तो आप इंटीमेसी के तरीके में, अप्रोच के तरीके में से एक तरीका है कि आप उसके साथ विदाउट इंटरकोर्स आप अपने आप को फ्लो कर ले सकते हो, करा ले सकते हो। लेकिन बिफोर शादी या इवन आफ्टर शादी, इवन आफ्टर शादी अपने प्राइवेट पार्ट से फ्लो कराना बिल्कुल हराम है, उलमा का फतवा है इंशाल्लाह। और इसी तरीके से इसके साइड इफेक्ट्स, मैं बोला ना शादी से जितना सबर करोगे, जितने गुनाहों से पाक रहोगे, शादी के मजे उठाओगे। शादी से पहले अगर तुमने ये किया, तुम्हारा शादी के बाद चाहे वो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, पेनिस आपका इरेक्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लो का कंटेंट कम हो सकता है, आपके पेनिस की जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उसके अंदर वीकनेस आ सकता है, आपका आपका जो मेमोरी, आपका फिटनेस, आपके कमर दर्द, सुभान अल्लाह, देयर इज़ ए लिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं डिसीज प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल जो होती हैं शादी से पहले जो मास्टरबेशन करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी इस बात को साबित करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हराम है और इंसान के हर चीज़ के लिए नुकसान है। सी एक्सपर्ट बोलते हैं जो आदमी मास्टरबेशन करता है वो कभी भी मेंटली वो कूल और काम और वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। मास्टरबेशन आज करेगा कल उसका एडिक्ट हो जाता है। और अल्लाह माफ़ करे हमारे नौजवानों को, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, बोले आमीन। भाई अगर मास्टरबेशन का अगर तुमको आदत पड़ गई ना, वो आदत से निकलना बहुत मुश्किल है। एडिक्शन अगर हो जाएगा उसका, तुम यहाँ तक के शादी के भी लायक नहीं रहोगे। और जो मैंने बोला ना शादी के बाद कभी कभी रोना पड़ता है, वो उसी का नतीजा है। प्लीज़ ओके, अभी इसका ताल्लुक बहुत बड़ा है, क्यों आदमी मास्टरबेशन करता है। नंबर वन, ओल्गर या पोर्नोलॉजी के साइड देखता है। नंबर वन एक्ट होता है, देखता है तो करना पड़ता है उसको। सुभान अल्लाह, इससे बचिए आप, अल्लाह के नाम में आ जाइए,
शैतान से पनाह मांगिए आप और ऐसे सारी चीज़ों से अपने आप को अवॉइड कर लीजिए ताकि आपको वो करने की ज़रूरत न पड़े। नंबर दो, उसको ज़िंदगी में लैविश, बहुत सोना, बहुत खाना, बहुत मज़े करना, जब ये ऐसा जब होता है ना तो सेक्सुअल डिज़ायर्स ऊपर पड़ते हैं। अच्छा, जो आदमी मास्टरबेशन करता है एग्ज़ाम के दिनों में करता है क्या? यूजुअली एग्जाम, कल एग्ज़ाम है, आज वो मास्टरबेशन करेगा? नहीं करेगा। कमाने के साथ उसको अगर घर में बोला गया कि भाई पैसा ले, क्या नहीं करे, क्यों? माइंड एंगेज है, माइंड उसका एंगेज है स्टडीज़ में, गेम्स में, रीडिंग में, रिसर्च में, दूसरों को हेल्प करने में, इबादत करने में, अल्लाह की इबादत करने में उसका जहन मशगूल है। देखो, इसका ताल्लुक, मास्टरबेशन का ताल्लुक जहन से है, यहाँ से बातें निकलती हैं तो असर यहाँ पे आके होता है। ओके, तो अपने आप को एंगेज करेंगे आप एजुकेशन, रिसर्च, इवन गेम्स, इवन क्या है, गेम्स, ग्राउंड अर्थ फ्लोर गेम्स, ओके, इसमें अगर अपने आप को एंगेज करेंगे, यकीन मानिए, चैलेंज करता हूँ, कोई भी आदमी मास्टरबेशन के बारे में सोचेगा ही नहीं। क्यों? मास्टरबेशन के लिए कुछ रीजंस हैं, वो रीजन में अपना माइंड सेट नहीं करेंगे आप, अपने आप को एंगेज रखेंगे, मास्टरबेशन का सवाल ही नहीं। एक सवाल ये है कि जल्दी, यानी जिमा से मर्द जल्दी फारिग हो जाता है, यानी सूरत इंजाल की शिकायत, तो क्या ऐसा करने से मियां बीवी के ताल्लुकात में कोई ख़राबी पैदा हो? बिल्कुल ख़राबी आती है मेरे भाई। देखो, तुम इंटरकोर्स करने में एक तो जल्दी करे, औरत रेडी नहीं हुई, आपने इंटरकोर्स कर लिया, और जब इरेक्शन या जो जब आपस दो चमड़े मिलते हैं तो जो नस होते हैं, जो पेनिस के ऊपर जो नसस होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं, वो डिस्चार्ज करते हैं। आप तो मज़ा ले रहे हो, आप तो एक इंटीमेसी फील कर रहे हो, औरत रेडी नहीं थी ना। हाँ, जब आपने इंटरकोर्स किया और इजैकुलेशन जो होता है, जो आपस में दो चमड़े आपस में जो तुम अंदर बाहर जो करते हो, औरत को उतना लॉन्ग टाइम तुम दे नहीं सकते, मैक्सिमम 3, 4, 5, 10 मिनट, अगर रिपीटेड किए तो, बार बार किए तो, अगर 15 दिन 20 दिन में करेंगे तो बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है। मैं बोला था ना, आप पीछे मत भागो, आगे बढ़ो, आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप औरत के साथ फोर प्ले करो, उसको रेडी करो, जब वो एकदम गर्म मोड में आए, जब वो तैयार हो जाए, तब आप इंटरकोर्स करो, तो वो भी कॉप अप करेगी, उसको भी जो है एक प्लेजर मिलेगा, सुकून मिलेगा, उसको भी एक नमूने का जो है सुकून और जो उसके अंदर टेस्ट मिलेगा। तो रियली में ये बहुत ही बेहतरीन अज़्दवाजी ज़िंदगी है ये, और औरत को यकीन मानिए, आप मर्द की तरह हमेशा फ्लो होना औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। यूजुअली तुम वंस ए वीक, वंस ए 15 डेज भी अगर आप औरत को अगर तुम सुकून दिए और उसको कॉप अप किए, उसको भी अगर फ्लो होने जैसा किए, अगर टेस्ट दिलाए, औरत उससे खुश हो जाती है। तो नॉर्मली अपना सोच कर तुम सो जाना और औरत जाके बेचारी नहा के आना तुम्हारे लिए, रियली में वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम कम करेगी, तुमसे उसका मोहब्बत के अंदर फ़र्क आ सकता है। अगर वो रेडी है भी तो समझो कि एक पत्थर नुमा आपके सामने है। तो मैं यही कहूँगा, प्रॉब्लम आना गलत नहीं है ब्रदर सी, अगर तुम लोगों को जल्दी डिस्चार्ज हो गया, जल्दी फ्लो हो गया, इसको डरो मत, इसको घबराओ मत। मैंने बताया जो आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ इसी पे बोला, इसको आसानी से तुम कंट्रोल में ला सकते हो, जैसा कि पीछे जो है बातें गुजर चुकी हैं। मुख्तसरन जवाब, लव मैरिज जायज़ है या नहीं? लव मैरिज, प्यार की शादी। देखो, लव मैरिज का जो जो डेफिनेशन जो यूजुअली यूज होता है वो लव हराम लव है, नाजायज लव है, इल्लीगल लव है, वो अनऑथराइज्ड लव है। वो मतलब शादी से पहले तुम बात करोगे ना, यही तो माने है ना लव का, शादी से पहले बात करोगे, शादी से पहले चैटिंग करोगे, शादी से पहले मिलोगे, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह तुम फिजिकल रिलेशनशिप भी रखोगे, ये हराम है। लेकिन आपने एक लड़की को
उस प्रोसीजर से जो मैंने बताया अब इससे पहले जो प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर से फैमिली ओरिएंटेड दीनदारी को मुद्दा बनाकर उसकी दीनदारी को एक एविडेंस और बेस बना करके अगर आपने उसको अपने दिल में जगह दिया है किया है तो ये प्यार सही प्यार है। लेकिन शादी से पहले अच्छा सवाल है, शादी से पहले एंगेजमेंट हो गया आप ख्वाबों की दुनिया में हो स्विमिंग करना क्या जो उड़ना शुरू कर दिए ये भी आपकी बीवी तो होने वाली है तो नहीं ना। शादी के बाद आप उसको फील कर सकते हो, बिफोर शादी आप सेक्सुअली उसके बारे में फील भी नहीं कर सकते और प्यार की वो कैफियत नहीं है जो लीगल प्यार है। वैसे तो प्यार ईमान का भी प्यार होता है, ईमान के बेस पर अल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया व बाद, एक मोमिन एक मोमिन औरत का क्या है वली है दोस्त है, किस एतबार से ईमानी एतबार से। जब ईमानी एतबार से जब दोस्त हो सकता है जब दिली निस्बत हो सकती है तो होने वाले बीवी के लिए दिल में जगह रखना उसके लिए दुआएं देना, देखो ट्रू लव उसके लिए दुआएं देना उसका ख्याल करना उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना यही असल लव है शादी से पहले, उसके अलावा कोई दूसरे लव के लिए जगह नहीं। बच्चे जनने वाली लड़की को शादी से पहले कैसे जानना चाहिए? देखो एक तो जो है फैमिली बैकग्राउंड उसके लिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। सबसे पहले देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अगर किसी फैमिली में बच्चे नहीं कम हो रहे हैं तो हर बच्ची, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देने वाला है। एक क्राइटेरिया बताया गया बस इसकी कोशिश करो आप। कुछ फैमिलीज अगर ऐसी होती हैं जिनको अगर बच्चे ज़्यादा होती हैं हेल्दी हैं, अरे देखो बच्चे कैसे होंगे ये बताओ मुझे पहले, देखो इस हदीस को समझने की जरूरत, बच्चे कैसे होंगे? एक तो जेनेटिक मतलब क्या बोलते हैं वो नस्ल के एतबार से क्या बोलते हैं वो उनका जो है परवरिश उनकी जो बदन का उनका जो फिजिकल कंडीशन ही ऐसा है उस फैमिली वालों का उनके जीन्स में ऐसा है कि उन लोगों को बच्चों की ख्वाहिश ज़्यादा होती है बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं जनने की ताकत। दूसरा ये है कि हेल्थ इतना कंडीशन रहता है कि वो औरतें ज़्यादा बच्चे जन सकती हैं, या दूसरा ये भी माना हो सकता है कि वो औरतें जो बच्चों को मोहब्बत करने वाली होती हैं जिस फैमिली के अंदर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कवरेज होता है और इसका लिहाज इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखिए, ओके अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखिए, अल्लाह अगर चाहे किसी को बेहिसाब बच्चे दे सकता है, किसी को सिर्फ औलाद लड़के दे सकता है, किसी को लड़कियां दे सकता है, और ऐसा भी देखा गया है कि सारी बहनों को 10-10 बच्चे 5-5 बच्चे हैं एक बहन को बच्चा ही नहीं है। मैंने ऐसे देखा है हमारे फैमिली के अंदर देखा है सारी बहनें हैं 4-5 बच्चे हैं लेकिन एक बहन ऐसी है लाखों इस्तेमाल करने के बावजूद भी पैसा उनको जो है बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। ओके ये जो बताया गया है हदीस के अंदर ये वो जो है क्या बोलते हैं कि अनासिर हैं वो जो है चीज़ें हैं जिसका ख्याल किया जाना बेहतर है। लेकिन उससे अहम ये है कि आदमी उसी को सब कुछ ना समझे बल्कि अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखते हुए किसी से भी अगर शादी हो गई तो अल्लाह ताला किसी से भी कितने बच्चे दे सकता है। वलीमे का फंक्शन फर्स्ट नाइट सेक्स होने की खुशी में दी जाती है, क्या ये सही है? नहीं, वलीमे का फंक्शन फर्स्ट नाइट से और वलीमे से क्या भी ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट नाइट उसकी नाइट है वो खाने वालों की नाइट नहीं है। ओके अच्छा ये अच्छा सवाल है, कुछ लोग आते हैं वलीमा में मिले क्या बोर्ड लगाना पड़ेगा क्या यहाँ पे औज़ बिल्लाह, ये तो एक गैर अखलाकी सवाल है भाई, अननेसेसरी क्वेश्चन है। अच्छा अगर वो मेंसेस में है तो वलीमा को 7 दिन के बाद करना नहीं, ये सवाल देखिए वलीमा शकनी से मेरी बातचीत हुई इस मामले में और बहुत सारे फतावों को मैंने पढ़ा इस मामले में कि भाई वलीमा के लिए इंदन निकाह ओके इंदन निकाह बादन निकाह, निकाह के मौके पर देना है
نکاح کے بعد دینا ہے. یہاں تک کہ سلف صالحین سے ایسے بھی آثار ملتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد ولیمہ دیا گیا, یہ بھی ملتا ہے. اور ایسے بھی آثار ملتے ہیں مستقل 5-6-7 دنوں تک بھی ولیمہ دیتا گیا, ایسے بے شمار ملتے ہیں. ولیمہ کے لیے نکاح ہونا ہے اور وہ ملاپ ہونا, آپس میں بیٹھنا, بات چیت کرنا یا انٹریکشن ہونا, نائٹ کا گزرنا, یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں جو لوگوں میں معروف ہیں. کیا شوہر جو ہے بیوی کا پستان دودھ پی سکتا ہے؟ پی لو کوئی بات نہیں. اچھا یہ میرا جواب نہیں ہے, میں نے شیخ انیس سے پوچھا اس معاملے میں ابھی لاسٹ ٹائم جب آئے تھے کہ سر اللہ کے نبی, شیخ انیس نے یہ بولا پی لو ایسا. میں تھوڑی دیر کے لیے شرما گیا, میں بولا کہ میرے بارے میں نہیں پوچھ رہا شیخ. تو کیا تھا, دیکھیے عورت کا پستان کا دودھ پی سکتے ہیں لیکن بچے کا بھی خیال رکھو تھوڑا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ قطرے اگر منہ میں آج تو ایسا نہیں کہ تم بچے کا پی رہے ہو, ایک چیز. اور جو فزیکل جو کنڈیشن ہے عورت کا, دودھ جو فلو ہوتا ہے, جو فاسٹ پروسیس میں آتا ہے, وہ پریگنینسی کے بعد نہیں بلکہ ڈیلیوری کے بعد ہی آتا ہے. اس سے پہلے جو اگر بریسٹ سے اگر نکلتا ہے تو چند قطرے, اوکے, تو اس سے وہ چیز نہیں آتی جو اگر کسی نے کسی کو اگر 5 مس تک اگر جو ہے دودھ پلایا تو اس کا بیٹا ہو گیا, نہیں. کیونکہ شادی کا بندھن, شادی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے, یہ جو فرع جو ہے اصل پر جو مین چیز شادی کا بندھن ہے, صرف ایک سے بار بار کچھ شک کرنے سے جو رشتہ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا. کیونکہ شادی اصل ہے وہ فرع ہے, یہ اصل ہے وہ زن ہے, یہ ہے کیا قیاس ہے. اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لڑکی کے تعلق سے تو پتہ چلتا ہے کہ دیندار ہے لیکن اخلاقاً وہ اس کے گھر کے زبردستی سے شادی ہو کے آ جاتی ہے, لیکن آنے کے بعد ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو غیر اخلاقانہ ہوتے ہیں, تو ایسے مسائل کو کس طرح نپٹا جائے؟ دیکھو بھائی واللہ ایک بات یاد, دعا یہاں پہ کس سے بڑھ کر, دعا بڑھ کر کوئی بھی گارنٹی یہاں پہ نہیں ہے, ایک بات یاد رکھو. گاؤں والے بولتے ہیں بہت اچھی لڑکی ہے, مولانا بولتے ہیں بہت اچھی لڑکی ہے, شادی کے بعد مسئلہ ہی الگ ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا, اچھے خاندان کی لڑکی ہے, ارے وہ خاندان کی لڑکی کا ایسا افیئر ہو گیا کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا لڑکا, ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے بتلایا, دور کی لڑکی ہمارے میں کوئی جانتا نہیں, شادی کر کے لاتا ہے, ماشاء اللہ ایک مثالی جورو بن کے زندگی بسر کرتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں کوشش ہمیں کرنا ہے جو کہ ممکن ہے, اوکے, اس کا ایجوکیشن دیکھ سکتے ہیں, اس کے گھریلو ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی بہنیں جہاں پہ شادی ہو کے گئی ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے فرینڈس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. یار یہ تو بہت, میں سمجھتا ہوں بہت حد تک, میں سمجھتا ہوں کہ 80% آپ کو سگنل مل جاتے ہیں, فرینڈس کو دیکھیں گے, گھر کو دیکھیں گے, ایجوکیشن کو دیکھیں گے, جماعت میں اگر جا کے تھوڑا انکوائری, ریئلی میں آپ کو ایک اچھا خاصا پکچر مل جاتا ہے. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی شیطان کسی کے پیچھے آ سکتا ہے, لیکن میرے بھائیو بہت اہم چیز ہے یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. انسان تقریباً یہاں پہ بہت ہی مجبور ہے یہاں پر انسان, تو اس لیے دعاؤں کی بڑی کثرت سے کام لو رشتے کے لیے, اچھی دعائیں کیا کرو, اللہ رب العالمین ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کو بہت ہی سعیدہ یعنی کہ بہترین اور ایک پیس اور سکون دینے والے جورو آپ کو اللہ رب العالمین دے گا. ہمارے پیرنٹس ہماری شادی جلدی نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو چھوڑ کے شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھو میرے بھائیو ایک بہت اہم سوال ہے جس کے دو طرف ہیں, ایسا بولیں تو بھی غلط, ویسا بولیں تو بھی غلط. یہ سب ماحول کیسے بنا, یہ ہمارا سسٹم, سوشل سسٹم ایسا بنا ہوا ہے.
तुम्हारे घर का मसला नहीं है, सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है जो आदमी सवाल किया भाई, सिर्फ उसका मसला नहीं है ये। ये सोशल का जो तरीका, सोशल का बैलेंस ही कुछ ऐसा बना हुआ है, वो ट्रेंड से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है सबको, वो ट्रेंड से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो एक सडनली ये तब्दीली आना मुश्किल है, एक स्लो प्रोसीजर है इसका, स्लो प्रोसीजर। आप नौजवान लोग, ये जो ट्रेंड है ना, सोशल का जो तरीका है शादियां करने का, उसको बदल सकते हैं आप लोग खुद। अगर आप में तकरीबन 50-60 नौजवान हैं, 10 नौजवान तो अपने माँ बाप को रेडी कर सकते हो, 50-60 तो रेडी नहीं कर सकते शायद, 10 तो रेडी कर सकते हो। चंद सालों के बाद मुआशरा खुद एक करवट लेगा, जहां पर अपने लड़कों को जल्दी शादी करने का माहौल पैदा हो जाएगा। तुम खुद ठहर कर आगे जाओगे, मुमकिन है इससे बड़ी परेशानी आ सकती है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है शादी, आप तो माशाल्लाह अभी कमा रहे हो, आपके पास अगर डिज़ायर्स हैं आप शादी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का डर है कि इससे बड़ी परेशानी आ सकती है कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, तुम्हारे पास माँ बाप की मुखालिफत आप मोल ले लिया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। अगर इस तरीके का अगर डर है, थोड़ा सब्र करें और माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश करें। हर आदमी अगर ये कोशिश करेगा, 100 लोग अगर कोशिश करेंगे, 10 लोग कामयाब हो जाएंगे। इस तरीके से माहौल बदलता। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज जो हमारा माशरा है, ये क्या एक महीने में ऐसा हुआ है क्या? 50 साल के हैबिट्स, 50 साल के प्रोसेस ने, 50 साल के हमारे जीने के तरीके ने आज ऐसा माशरा हमको दिया। मानते मेरी बात? हम, ये मेरा और आपका इंडिविजुअल मैटर नहीं है, हमें अपने माशरे के सोच और ख्यालात को बदलना है। मिसाल के तौर पर दूसरी शादी करने का मसला है, दूसरी शादी करना अफजल है, मुस्तहब है, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं खुद ऐसा मैं डील नहीं करना चाहता जिससे मेरा 250 बीवी भी हाथ से निकल जाए। क्या बोल रहे हैं? 250 बीवी भी हाथ से निकल जाने का डर है मुझे। तो इसका मतलब इस सुन्नत को छोड़ ही दो, जो बेवाएं हैं उनको ऐसे रहने दो, नहीं। हम 10 लोग कोशिश करेंगे, शायद 2 तो कामयाब हो जाएंगे। लोगों का माइंड सेट करने की ज़रूरत है, उलमा को अपने बयानात में, टीचर्स को अपने सिलेबस में।